वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस, हम लोगों ने जो ज्योग्राफी की वीडियो स्टार्ट सेशन जो हमने स्टार्ट किया है, लास्ट वीडियो में हमने इंडिया की जो आइलैंड्स थे उनको डिस्कस किया। आज हम लोग आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। कौन कौन से रिवर सिस्टम यहाँ पर फ्लो करते हैं, कैसे हमारे यहाँ पर रिवर जो है वो फ्लो करते हैं, कहाँ से उनकी ओरिजिन जो है ओरिजिन कहाँ से है, और वो किस उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, और वो किस सी की तरफ जा रहे हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, या जिस तरफ भी जा रहे होंगे, उनको हम फॉलो अप करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो आपके नोट्स हैं वो परफेक्टली बनते रहें। ठीक है, ओके गाइस, आई होप कि आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोग सबसे पहले जो चीज स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, उसमें हम लोग आज आपके सबसे पहले तो रिवर्स के बारे में बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से रिवर्स यहां पर हैं। ठीक है, सो गाइस, हमारे यहां पर कुछ रिवर्स होते हैं जो पैरिनल इन नेचर होते हैं। पैरिनल इन नेचर का मतलब है जिनमें थ्रू आउट द ईयर जो है वो पानी रहता है। गाइस, एक रिवर होता है सीजनल रिवर्स। सीजनल रिवर्स जो होते हैं वो कुछ सीजन के टाइम पर ही हमें देखने को मिलते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द ईयर उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ पानी नहीं होता है पानी का, एंड दे मोस्टली ड्राई ही रहते हैं। गाइस, अगर हम बात करें अपने सिविलाइजेशन की, तो इंसान ने जो रहना जो सिविलाइजेशन जो अपनी स्टार्ट की थी ऑन द बैंक ऑफ रिवर ही की थी। लोगों ने हमेशा जहां उनको पानी, खेत मतलब एग्रीकल्चर के लिए लैंड जहां पर उनको मिली, लोगों ने वहां पर सेटल डाउन स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं पानी हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, और हमारे यहां पर जो मेन सोर्सेस हैं पानी के वो हमारे रिवर्स हैं, जिनकी ओरिजिन जो है वो हिमालय से होती है, अलग अलग माउंटेन से, अलग अलग रेन से, अलग अलग रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है, और किस तरीके से हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में फ्लो करते हैं, जो कि हमारे JKSSB सिलेबस में मेंशनड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज हम उसी को ही देखने वाले हैं। तो बात की जाए गाइस आपकी रिवर्स ऑफ इंडिया की, तो इन इंडिया द रिवर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। हमने इंडिया में जो हमारे रिवर्स हैं उनको दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक है हमारे हिमालयन रिवर्स और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। ऐसे रिवर्स जो हमारे नॉर्थ ऑफ द इंडिया बाउंड्री पर ओरिजिनेट हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, अपना एक पर्टिकुलरली एक सिस्टम बनाकर चल रहे हैं, वो हमारे रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम। एंड जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, जो पेनिनसुला है उसमें जो रिवर्स जो आपके रिवर्स फ्लो करते हैं वो दो टाइप्स के हैं, है ना, एक नॉर्थ इंडिया की तरफ जो हम लोग हैं, और हिमालयाज माउंटेन मतलब रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। बात की जाए अगर आपके हिमालयन रिवर सिस्टम की, तो हिमालयन रिवर सिस्टम में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स को स्टडी करते हैं, एंड दे आर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीन रिवर्स जो हैं ये पैरेलल इन फ्लो हैं, पूरे साल इनमें बहुत ज्यादा पानी जो है वो फ्लो करता है। ये रिवर्स जो है बहुत सारे जो एरियाज हैं उनके लिए एक लाइफलाइन भी है, बहुत सारे एग्रीकल्चर जो हमारे एग्रीकल्चर जो हमारा होता है इन्हीं की वजह से होता है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं हम लोग इन्हीं रिवर्स से कर रहे हैं, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, फिशरी हो, या कोई भी दूसरा हमारी एक्टिविटी हो जो हम इन रिवर्स के ऊपर कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके इंडस रिवर की। ठीक है गाइज, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा गाइज, प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने रफ पर, ठीक है, ताकि आपको जो उसको पढ़ो तो वही चीजें आप याद रखिए जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो इंडस रिवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन में से एक है वर्ल्ड के। जैसे हमें जब अमेजोन रिवर, जो आपका नाइल रिवर, इनके सब बारों इनके बारे में हमने पढ़ा था। ये कुछ रिवर्स हैं हमारे वर्ल्ड में जो काफी प्रोमिनेंट है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट रिवर्स में से उनको काउंट किया जाता है। तो इंडस भी उनमें से एक है। इंडस की अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है आपको बहुत बार कि बताइए इंडस जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है, तो इंडस जो है वो कैलाश माउंटेन रेंज है तिब्बत में, जहां से वो ओरिजिनेट हो रही है। याद रखिएगा गाइस, जो आपकी इंडस है वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम कैलाश माउंटेन रेंज इन तिब्बत में, वो वहां से ओरिजिनेट हो रही है।
इसको वहां पर मतलब तिब्बत में दो नामों से जाना जाता है, एक है सिंगी कंबन एंड लाइन्स माउथ। याद रखिएगा गाइस, इस इंडस को जो आपका तिब्बत एरिया में जब ये फ्लो करती है तो उसको दो नामों से जाना जाता है, सिंगी कंबन एंड लाइन्स माउथ। ये दो नाम इंडस को तिब्बत में दिए गए हैं। सॉरी, आफ्टर एंटरिंग जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में ये जब एंटर होती है, इट फ्लोज बिटवीन द लद्दाख टू द जंस्कार रेंज। गाइस, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है आपने, कि ठीक है हमें पता चला है ओरिजिनेट कहां से होती है, इसका नाम क्या है, लेकिन पेपर में एग्जामर आपसे ये तक भी पूछ सकता है कि बताइए इंडिया में इंडस कहां पर एंटर हो रही है, कौन से पॉइंट पर एंटर हो रही है। तो वो याद रखिएगा, वो एंटर होती है लद्दाख में एंड द जंस्कार रेंजेस के अंदर ही वो फ्लो करती है। ये पॉइंट आपने याद इसमें रखना है, ठीक है ना। हम लोग ये चीजें इंपॉर्टेंट याद रखते हैं, लेकिन यही जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हम लोग भूल जाते हैं, तो ये आपने भूलना नहीं है। सिंपल याद रखिए, ओरिजिनेट हो रही है, फ्लो कर रही है, इस नाम से जाना जा रहा है, एंड एंटर हो रही है इंडिया में इस पॉइंट से, मतलब लद्दाख में ये एंटर होती है इंडिया में, ठीक है ना। मैप में भी आप देख सकते हो, हम आपको मैप में भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस मैप में क्या है, ये मैप में आप आराम से देख सकते हो कि इसमें कहां से हमारी रिवर जो है वो फ्लो कर रही है। उसके बाद आ रहा है गाइस आपका ट्रिब्यूटरीज। तो बात की जाए इसके ट्रिब्यूटरीज की, अब देखिए दो चीजें होती हैं। अब ये नदी यहां से फ्लो कर रही है, अगर कोई दूसरी नदी यहां से फ्लो करते हुए इसमें जुड़ जाती है, इसको हम कहते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी। अगर कोई नदी फ्लो करते करते डिवाइड हो जाए दो हिस्सों में, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। मतलब अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे, ट्रिब्यूटरी कहेंगे उस सेगमेंट को जहां पर दूसरी नदी एक नदी में एंटर हो रही है। तो इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे गिलगित, गंतंग, द्रास, शिगर एंड हुंजा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपने याद रखनी है वो है झेलम, चन्हाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये इंडिया में इसके साथ एंटर होती है। ये रिवर्स इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इनको भी याद रखना है, ठीक है ना। तो आपने पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस आर गिलगित, गर्तंग, द्रास, सिंगर एंड हुंजा, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जो है पहला आपका आता है झेलम गाइस, ठीक है। झेलम के बारे में अगर हम आपको बताएं तो झेलम की जो है ओरिजिन कहां से, एक स्प्रिंग है वेरीनाग, ठीक है, वेरीनाग से ये ओरिजिनेट होता है, सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ पीर पंचाल, ठीक है, कहां से, जहां से पीर पंचाल की रेंज स्टार्ट हो रही है वहां पर है आपका वेरीनाग, जहां से आपकी झेलम जो है वो निकल रही है। याद रखिएगा गाइस इस पॉइंट को भी, कि स्प्रिंग है वेरीनाग कहां पर, पीर पंचाल के फुट्स पे, जहां से पीर पंचाल रेंज स्टार्ट हो रही है वहां पर एक स्प्रिंग है कॉल्ड वेरीनाग, जहां से आपकी झेलम जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। इट फ्लोज थ्रू, ये कहां से बहती है, श्रीनगर एंड द वुलर लेक के साथ जो है ये फ्लो करती है, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद आ रहा है आपका चिन्हाब। चिन्हाब की बात की जाए तो ये गाइस लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, याद रखिएगा इसको, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इंडस में सबसे ज्यादा जो बड़ा दरिया जो एड ऑन हो रहा है, दैट इज चिन्हाब, याद रखिएगा गाइस लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है। अब फॉर्म बात की जाए आपके चिन्हाब की, तो चिन्हाब बेसिकली क्या है, दो स्ट्रीम्स से बना हुआ है, दो स्ट्रीम्स हैं, उनका नाम है, एक है चंदर और एक है भागा, मतलब ऐसे एक चंदर है एक भागा है, यहां से आगे ये दोनों मिलकर जिस दरिया को फॉर्म कर रहे हैं वी कॉल्ड इट चिन्हाब, दिस इज चंदर एंड दिस इज भागा, याद रखिएगा ये चंदर है ये भागा है, ये पॉइंट पे जो है ये मिलते हैं और यहां से आगे जो रिवर फ्लो कर रहा है वी कॉल्ड इट चिन्हाब। अच्छा, पेपर में आपको पूछ सकता है कि बताइए कहां पर जो है वो आपका पॉइंट है, तो ये पॉइंट कहां पर है गाइस आपका, ये पॉइंट है तंडी नियर कलियोंग इन हिमाचल प्रदेश। तो सिंपल आपने इसको याद रखना है, कहां पर तंडी, तंडी कहां पर है,
कियोंग में, और कियोंग कहां है? हिमाचल प्रदेश में। ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको याद होना है। अच्छा चनाब जम्मू एंड कश्मीर में कहां पर एंटर होता है? इट एंटर्स इन पाडल रीजन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, ये एंटर होता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, ठीक है? अब देखो, अब इन दोनों स्ट्रीम्स के नाम पर भी इसका नाम रखा गया है, इसलिए हम इसको किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं, वी कॉल्ड इट चंदर भागा। तो चाहे चनाब कह दो चाहे चंदर भागा कह दो, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों ही एक ही नाम है, दो स्ट्रीम से बना हुआ है, चंदर और भागा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, चंदर भागा भी कहते हैं। उसके बाद आ रहा है गाइस आपका रावी रिवर। रावी की बात की जाए तो रावी की ओरिजिन कहां से है? तो रावी ओरिजिनेट फ्रॉम कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश से रावी रिवर जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। याद रखिएगा इनकी ओरिजिन, याद रखिएगा गाइस, कुल्लू हिल्स ऑफ रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश से आपका रावी निकल रहा है। इट ड्रेन्स द एरिया बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधार। ये कहां से फ्लो करता है? आपके पीर पंजाल और आपके धौलाधार के बीच में से ये फ्लो होता हुआ चलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इज ब्यास। ब्यास की बात की जाए तो ब्यास जो है वो रोहतांग पास से ही निकलती है, ये भी वहीं से ओरिजिनेट होती है। साथ में बात की जाए सतलुज की, तो सतलुज जो है काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, ओरिजिनेट इन रक्सका लेक नियर मानसरोवर इन तिब्बत में ये निकल रहे हैं। गाइस बहुत बार पेपर में इसको पूछा भी गया है। तो रक्सका लेक है कहां पर? मानसरोवर में इन तिब्बत में, जहां से आपकी सतलुज जो है वो निकलती है। तिब्बत में सतलुज का क्या नाम है? तिब्बत में सतलुज को एक और अलग नाम से जानते हैं, लोंगचिन कम अब, ठीक है? यहां पर लिखा हुआ है लोंगचिन, तोड़ के पढ़िए इसको, लोंगचिन कम अब, ठीक है? खम अब इसका नाम है तिब्बत में, ये याद रखेगा। इट कम्स आउट ऑफ द जॉर्ज एट रोपुर, फिर ये चलती है, फ्लो होती है गॉर्ज, डीप गॉर्ज के अंदर से, खायू में से, एट रोपुर में। इट पासेस थ्रू शिपकिला पास, फिर ये शिपकिला पास से होते हुए एंटर करती है कहां पर? एंटर्स द पंजाब प्लेन्स, और ये फिर पंजाब में एंट्री जो है अपनी मार देती है, ठीक है? शिपकिला पास हिमालय से होते हुए जो आपकी सतलुज है वो एंटर करती है कहां पर? आपके प्लेन्स ऑफ पंजाब में, ठीक है गाइस? तो ये था खाली आपको, आज हमने इंडस के बारे में बताया, हिमालय की, हिमालयन रेंज की पहली रिवर जो इंडस है उसके बारे में हमने आपको बताया, उसकी ओरिजिन के बारे में, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज कहां से जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, ये सारा हमने आज इस वीडियो में पढ़ा। गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर जो है छोटी छोटी वीडियो आप लोग तक इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है धीरे धीरे एक कैप्सूल की तरह जो है सब कुछ कुछ दिया जाए ताकि आप उसको आराम से जो है वो पढ़ लो। मेहनत कीजिए गाइस, देखिए इसके अलावा आपको डिटेल में और कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल याद रखिए ये रिवर्स है। मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, मैप अपने पास जरूर रखिएगा, मैप में अगर आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो कि ये रिवर यहां से ओरिजिनेट हो रही है, इस तरफ जा रही है, उस तरफ जा रही है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, कभी भूलोगे नहीं गाइज आप, और आप में एक करेक्शन भी आ जाएगी, आप में जो नॉलेज है वो उसकी जो है इंक्रीज भी हो जाएगा आपका, है ना, एनहेंसमेंट हो जाएगी आपके नॉलेज की। सो इनको ध्यान से देखिए रिवर्स के बारे में, क्योंकि रिवर्स में से एक या दो क्वेश्चन जरूर रहने वाला है, ठीक है ना गाइस? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में एंड देन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए गाइस स्टे ट्यून्ड विद जेके एग्जाम क्रैकर फॉर फर्दर अपडेट्स। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे जो लिंक में नंबर्स हैं उन पे कॉल करके हमसे जो है रब्ता कर सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसके रिलेटेड हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है? सो अगेन मैं आपको यही बोलूंगा कि हमारे जेके एग्जाम क्रैकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस पर हम लोग फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, उसको जाइए और उसको एग्जाम को जो है वो उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, ठीक है गाइज? तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइज।